बच्चों, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको वैद्य विद्रोह के कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, दो स्थितियों में, नंबर वन अक्षीय स्थिति और नंबर टू निरक्षीय स्थिति। आज हम तीसरी स्थिति की बात करेंगे, यानी इसमें हमें क्या करना है, किसी भी बिंदु पर हम वैद्य क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे वैद्य विद्रोह के कारण, ये हम लोग समझेंगे। किसी भी बिंदु से मतलब, जैसे इसके पहले क्या था, जैसे ये वैद्य विद्रोह है तो अक्षीय स्थिति यानी इसकी अक्ष पर स्थित यहां पर कोई बिंदु हो तो वैद्य क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाली थी। इसकी लंबवतक रेखा यानी यहां पर कोई बिंदु हो वैद्य क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। आज हम लोग बिंदु पी पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे जो कि ना तो अक्षीय स्थिति है और ना ही निरक्षीय स्थिति है। तो मान लीजिए कि एक वैद्य द्विध्रुव है एबी जिसके आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक, और इस बिंदु पी पर जो कि इसके मध्य बिंदु ओ से मान लीजिए आर दूरी पर स्थित है और इसके अक्ष से एंगल बना रहा है कितना, थीटा, ठीक है। तो इस बिंदु पी पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करना है। इस वैद्य द्विध्रुव का वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग मान के चल रहे हैं पी, क्योंकि वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है आपको पता है, और इसकी दिशा आपको बताई थी कि अक्ष के अनुदिश इधर से किधर, ऋण आवेश से धनावेश की ओर होगी। इसलिए वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण जो कि एक सदिश राशि है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी सदिश को हम लोग दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, परस्पर लंबवत घटकों में या कह लीजिए आयताकार घटकों में। तो हम सबसे पहले इस वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण पी को दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे, तो इसका एक घटक हमें मिलेगा पी कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा घटक मिलेगा पी साइन थीटा। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो वैद्य द्विध्रुव है, हम कह सकते हैं ये वैद्य द्विध्रुव इस वैद्य द्विध्रुव और इस वैद्य द्विध्रुव से मिलकर बना है, यानी इन दोनों का जो परिणामी होगा वो ये वैद्य द्विध्रुव होगा। अर्थात इस वैद्य द्विध्रुव को जब आपने दो वैद्य द्विध्रुवों में तोड़ दिया तो एक वैद्य द्विध्रुव ये हो गया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी कॉस थीटा, एक वैद्य द्विध्रुव ये हो गया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी साइन थीटा, ठीक। अब इस वाले वैद्य द्विध्रुव के लिए ये जो बिंदु पी है वो अक्षीय स्थिति में कहलाएगा, जबकि इस वाले वैद्य द्विध्रुव के लिए जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी साइन थीटा, इसके लिए ये निरक्षीय स्थिति कहलाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण यहां तीव्रता निकालेंगे, इसके कारण यहां तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण पी कॉस थीटा के कारण पी पर तीव्रता, चूंकि आपको बताया कि पी कॉस थीटा के लिए क्या है, अक्षीय स्थिति, और अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला होता है क्या, ई वन बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी कॉस थीटा, तो यहां पर टू पी, तो पी कॉस थीटा क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण पी कॉस थीटा है, टू पी अपॉन आर क्यूब होता है, टू पी कॉस थीटा अपॉन डिस्टेंस है आर यानी आर क्यूब, इक्वेशन नंबर वन। दिशा आपको बताई थी अक्षीय स्थिति में क्या होगी, अक्ष के अनुदिश, तो पी कॉस थीटा की दिशा ये है, वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण दिशा ये है, तो अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव आघूर्ण दिशा में यानी ई वन की दिशा ये हो गई। अब इसी तरह से आइए द्विध्रुव आघूर्ण पी साइन थीटा के कारण इस बिंदु पी पर तीव्रता, तो पी साइन थीटा के लिए निरक्षीय स्थिति होगी, और निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला होता है पी टू बराबर हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, तो पी की जगह पर यहां पर पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दिशा आप देख ही रहे हैं, E2 की दिशा क्या हो जाएगी, क्योंकि निरक्षीय स्थिति है और निरक्षीय स्थिति में दिशा हमेशा अक्ष के पैरेलल होती है और द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत, तो द्विध्रुव आघूर्ण दिशा इधर की ओर है यानी E2 की दिशा इधर की ओर हो जाएगी। अब इन ये दोनों जो वैद्य क्षेत्र की तीव्रताएं हैं जो कि वेक्टर राशियां हैं, इसको आप वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, चूंकि दोनों परस्पर लंबवत हैं और जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, तो यहां पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, अतः परिणामी तीव्रता ई बराबर ई वन प्लस ई टू वेक्टर फॉर्म में, या सिर्फ परिमाण की बात करें हम लोग, ई बराबर अंडर रूट चूंकि परस्पर लंबवत है तो ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, अंडर रूट ई वन स्क्वायर, ई वन की जगह पर वन अपॉन
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, इसी तरह से पी पी कॉमन आएगा, आर क्यूब ठीक है होल स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो हमें क्या मिलेगा पी बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, साथ में पी अपॉन आर क्यूब मिल जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा अंडर रूट में टू कॉस थीटा का स्क्वायर यानी फोर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां बचेगा क्या साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए फोर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उससे फायदा क्या होगा एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के वन हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, यहां आ जाएगा वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है। तो ये आ गया एक जनरल फॉर्मूला, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी दिशा में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। रही बात दिशा की, ई की दिशा क्या होगी तो देखिए डायग्राम में हमने पहले बना रखा है, हम मान के चल रहे हैं कि जो वैद्युत परिणामी तीव्रता है वो E1 से कितना कोण बना रहा है फाइव कोण, तो यदि E1 से फाइव कोण बना रहा हो तो यहां हम लोग लिख सकते हैं टेन फाइव बराबर, तो यहां पर यदि E1 से फाइव कोण बनाता हो तो टेन फाइव बराबर क्या लिखेंगे आप, टेन फाइव बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया E2, आधार हो गया E1, तो E2 अपॉन E1 और ये वैल्यू रख दिया जाए तो tan phi बराबर E2 के जगह पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin theta अपॉन R क्यूब डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P cos theta अपॉन R क्यूब, R क्यूब से R क्यूब कटेगा, देखिए इससे पूरा कटेगा P से P कटेगा, और साइन अपॉन कॉस यानी tan theta, तो tan phi बराबर आ गया 1/2 tan theta ठीक। अब ये एक जनरल फॉर्मूला आप कह सकते हैं, इससे हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं ठीक है। कैसे निकालेंगे तो विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति नंबर वन, यदि द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर हमें तीव्रता निकालनी है, यानी बिंदु P अगर अक्षीय स्थिति में यहां होता तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, ये बिंदु P यहां लाने का मतलब थीटा कितना हो गया जीरो, तो यदि थीटा बराबर जीरो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा E बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, यानी यहाँ आ गया वन प्लस थ्री यानी फोर, और फोर का अंडर रूट टू, यानी फॉर्मूला आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यूब, तो सेम फॉर्मूला आ गया जो कि अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने निकाला। इसी तरह से नंबर टू, यदि निरक्षीय स्थिति की बात करें, यानी अगर हमें इस बिंदु पी यहां होता निरक्षीय स्थिति में तो थीटा कितना हो जाता 90 डिग्री ठीक है, तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो ये पार्ट हो गया जीरो बचा वन, यानी आ गया 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, और यही फॉर्मूला होता है किसका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ठीक। तो आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं ठीक। धन्यवाद बच्चों, इसके पहले के वीडियो में
मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना दिखाया था, और तीनों स्थितियों में उन्होंने निकाल लिया था, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और तीसरा किसी भी बिंदु पर। ठीक, अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचता है आपके सिलेबस में क्लास 12 में, वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आरोप। ठीक, होता क्या है, जब कभी भी आप किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो क्या होता है, उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, टॉर्क कार्य करता है, ठीक है, कपल कार्य करता है। अब वो बल युग्म क्या काम करता है, वो बल युग्म इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक है, कैसे प्रयास करता है, कैसे संरेखित करेगा, आइए आगे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, जिसको कि हमने पैरेलल रेखाओं द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मान के चल रहे हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमने मान लिया ए बी, जिसके आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2m, और ये वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में छेद से थीटा कोण पर रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, आप पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र आवेशित कणों पर वैद्युत बल आरोपित करता है। ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेशित कण प्लस क्यू पर भी वैद्युत बल आरोपित करेगा और इस पर भी वैद्युत बल आरोपित करेगा। तो कितना वैद्युत बल आरोपित करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र इस पर भी EQ बल आरोपित करेगा, इस पर भी EQ बल आरोपित करेगा। दिशा आप जानते हैं, दिशा क्या होती है, धन आवेश पर हमेशा जो बल की दिशा होती है वो क्षेत्र के अनुदिश यानी इस दिशा में कार्य करेगा, ऋण आवेश पर जो बल की दिशा होती है हमेशा क्षेत्र के विपरीत यानी इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है ना, अब ये दोनों बल क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों बल जो कि वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है द्विध्रुव के आवेशों पर, तो दोनों आवेशों पर जो बल है वो परिमाण में बराबर है, एक दूसरे के देखिए पैरेलल हैं, दिशाएं विपरीत हैं, साथ में दोनों की क्रिया रेखाएं, देखिए इसकी क्रिया रेखा ये जाएगी, इसकी क्रिया ये, दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये एक बलयुग्म बनाएगा। ठीक है, इस बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म का आघूर्ण यहां क्या हो गया, जिसको हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं, और बलयुग्म का आघूर्ण आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, कोई एक बल गुणे बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत, तो एक बल गुणे बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, अब यहां पर देखिए कोई एक बल, तो चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको, परिमाण दोनों के सेम है, EQ, और लंबवत दूरी यहां पर कौन सी हुई, लंबवत दूरी इसकी क्रिया रेखा ये जा रही है, इसकी ये नहीं, दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये होगी, इसको अगर C से डिनोट कर दें यानी BC यहां पर लंबवत दूरी होगी, और इस BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ये थीटा तो ये थीटा यानी ये लंब हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया, तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण गुणे साइन थीटा यानी 2L साइन थीटा, तो ये हो गया बराबर EQ गुणे 2L साइन थीटा। ठीक, और आप पढ़ चुके हैं कि आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी यानी 2LQ क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे आप P से डिनोट करते हैं, यहां आ गया ये PE साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया बलयुग्म का आघूर्ण। अब ये बलयुग्म देखिए क्या काम करेगा, बलयुग्म ये वाला बल इस द्विध्रुव को इधर घुमाने का प्रयास करेगा, इधर घुमाने का प्रयास करेगा, यानी जब दोनों घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो बलयुग्म है, ये जो बलयुग्म है, ये क्या करेगा, इस द्विध्रुव को इस तरह से घुमाएगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करके जैसे ही ये इस स्थिति में द्विध्रुव आएगा तो क्या हुआ, अब इस धन आवेश पर बल इधर की ओर, ऋण आवेश पर बल इधर की ओर, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं, विपरीत है, दोनों की क्रिया रेखाएं सेम हो जाएंगी, यानी दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसका मतलब कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, और ये द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थायी अवस्था हो जाएगी, यानी अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश रखा है तो वो अब उसी दिशा में पड़ा रहेगा। ठीक है, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं, यदि द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश हो तो नंबर वन, यदि द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश हो यानी द्विध्रुव की दिशा ई के अनुदिश हो तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, तो यदि थीटा बराबर जीरो तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो जैसा शुरू में ही बताया, तो बलयुग्म क्या काम करता है, बलयुग्म इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक, नंबर टू, इसी में और भी स्थितियां देख लीजिए,
यदि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा होता, द्विध्रुव ऐसे होता, यानी थीटा कितना होता 90 डिग्री। तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी टाउ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो टाउ मैक्सिमम बराबर कितना, पीई। इसी तरह से मान लीजिए कि द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर तो है परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत, यानी ये इस तरह से हो कि माइनस क्यू आ गई जो कि इधर था, इधर ना होकर इधर हो और प्लस क्यू इधर हो जाए, यानी थीटा कितना लेंगे उस समय 180 डिग्री। तो यदि थीटा 180 डिग्री तो साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है, यानी टाउ बराबर फिर भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र क्या काम करेगा, इस पर एक बल्युग आरोपित करेगा और ये बल्युग क्या काम करता है, द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करता है। ठीक, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। थैंक यू।